सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्प्रेड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक न्यूज के एक लेटेस्ट एपिसोड में। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए कुछ लेटेस्ट टेक अपडेट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे जो सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है ऑनर 8X को लेके, जो कि लॉन्च हो सकता है चाइना में 5 सितंबर को, और इसके साथ आएंगे इसके दो वेरिएंट्स ऑनर 8X और 8X मैक्स। 8X मैक्स के बारे में ये रूमर्स आ रहे हैं कि ये होगा 7.12 इंच का स्क्रीन के साथ, और 8X के बारे में ये रूमर्स आ रहे हैं कि वो बजट अल्टरनेटिव होगा ऑनर नोट 10 का। अब हालांकि सेम प्राइस तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। और आपका क्या कहना है भैया, इंडिया में ये क्या धमाल करेगा, कब तक आएगा, आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बता नीचे कमेंट्स करके। तो दोस्तों हमारी अगली अपडेट निकल के आती है वो आती है सैमसंग के न्यू वीआर हैंडसेट की तरफ से, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं, और इनमें ब्लूटूथ सपोर्ट कंफर्म कर दिया गया है, और इसने अपना सबसे पहला अपीयरेंस FCC's डेटाबेस पर दे दिया है। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें इसके की स्पेक्स और फीचर्स को मेंशन करेंगे, तो जरूर उस वीडियो को देखना। और इस हैंडसेट के बारे में आपका क्या कहना है मेरे को जरूर बताना नीचे कमेंट्स में, मतलब क्या कमाल करता है ये, एक्चुअली एक स्टैंड अलोन वीआर हैंडसेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है वो आती है ब्लैकबेरी को लेकर। ब्लैकबेरी ने रिलीज कर दिया अपना न्यू टीजर की टू ली को लेकर, और कंफर्म IFA 2018 लॉन्च। पर अब सबसे पहली बात जो हमारी मेन देखने वाली वो है की टू स्मार्टफोन, एक सही में काफी अच्छा फोन था मेरे हिसाब से, पर जो उसकी एक फैक्ट था, जो एक उसकी डार्क साइड थी, वो ये थी कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। पर जो अपकमिंग की टू ली है वो एम कर रहा है राइट्स द रॉन्ग, मतलब अपनी गलती को सुधारने वाला है। जैसे की टू था वैसे ही उसमें भी सेम हार्डवेयर होगा, सिमिलर फीचर होंगे, पर उसका जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा कम होगा होपफुली। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, इस मतलब ये इंडिया में क्या कमाल करेगा, ये आप उसे लेना चाहेंगे नहीं, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है वो आती है फोर्टनाइट मोबाइल को लेकर। एक्चुअली खबर ये है अगर हमें दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है फोर्टनाइट मोबाइल को लेकर। जैसे कि आपको पता है अगर हमें कोई भी ऐप या गेम डाउनलोड करना है तो हम सीधा सीधा चले जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, भैया हमें ये गेम डाउनलोड करना है, और हम डाउनलोड कर लेते हैं अगर हम बात करें एंड्रॉयड की, सिर्फ एंड्रॉयड की। पर फोर्टनाइट मोबाइल ने डिसाइड किया कि वो गूगल प्ले स्टोर की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट से ही डाउनलोड हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली गूगल को ये बात बुरी लगी, ऑब्वियसली भाई लगेगी। तो उसने बिन टाइम गमाए एक मिस्टेक उसके अंदर ढूंढ निकाली, और जो कि बहुत बड़ी है। वो मिस्टेक ये है कि अगर आप फोर्टनाइट मोबाइल डाउनलोड करते हैं अपने गेम मोबाइल के अंदर, तो उसके साथ साथ उसका इंस्टॉलर भी डाउनलोड हो जाता है, और उसका इंस्टॉलर विदाउट आपकी परमिशन के आपके मोबाइल के अंदर कोई भी गेम डाउनलोड कर सकता है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है, भले ही वो आपके लिए हानिकारक क्यों ना हो। तो भाई आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर अपडेट के बारे में, मेरे को जरूर बताना नीचे कमेंट करके। दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम टेस्ट कर रहा है एक न्यू फीचर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली अगर आप कॉलेज जाते हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर क्लास जाते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास जाते हो, तो आप अपने ही जैसे लोगों से जुड़ सकते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ग्रामर की क्लास जाते हो फॉर एग्जांपल, तो आप जुड़ सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले बच्चों से, और आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ग्रुप बना पाओगे, कम्युनिटी बना पाओगे। इस तरीके से शायद इंस्टाग्राम आपको हेल्प करने वाला है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि ये तो अभी टेस्टिंग में है, बट ये बहुत जल्द आपको देखने में मिल सकता है। और आपका क्या कहना है भाई, ये सच में आपको हेल्प करने वाला है, ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है यूट्यूब की तरफ से, और ये भाई खबर जो है ये हो सकती है अच्छी भी और बुरी भी, कुछ नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब कम करने वाला है अपने जो स्किप एड बटन को, मतलब कि अब वो धीरे धीरे बहुत कम दिखेंगे, फिर कम दिखेंगे, और हो सकता है इन नियर फ्यूचर हट भी जाए। अब मतलब दिक्कत इस बात की ये नहीं है कि अब भाई एड्स को स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिक्कत ये है कि अब नॉन स्किपेबल एड मिलेंगे, हो सकता है वो 10 सेकंड के हो, हो सकता है वो 20 सेकंड के हो, मतलब जो कारवा 5 सेकंड तक चलता था वो अब 10 या 20 सेकंड भी जा सकता है, तो संभल के रहिए। तो दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने डोनेट कर दिए 7 करोड़ रुपीज टूवर्ड्स द ऑन गोइंग रिलीफ वर्क, जो कि केरला में भाई फ्लड वगैरह आया हुआ, जैसे आपको पता है भाई बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आई है, और इसलिए एप्पल ने डोनेट कर दिए चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड को 7 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ उसने जैसे भाई अब बात करें हम होम पेज की, एप्पल स्टोर की, iTunes की, हर जगह बैनर लगाए कि भाई केरला को हेल्प करो, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। और भाई ये स्टेप में आप भी हाथ बढ़ा सकते हो अपना, मतलब आप सीधे जाके डोनेट कर सकते हो पेटीएम के थ्रू, मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दे रखा है, वहां से भी आप जा सकते हो। और भाई फर्क नहीं पड़ता भाई कितने दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो, 5 रुपए दे रहे हो, भाई 1000 दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो,
फर्क नहीं पड़ता, हेल्प करनी अच्छी बात होती है, अंदर से फील आती है, किसी को बता के फायदा नहीं है। तो मेरी सुझाव ये कि आप जाके डोनेट करो और देखो कितना अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है टी मोबाइल की तरफ से। टी मोबाइल ने ढूंढा है अभी अभी एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, जिसकी वजह से अफेक्ट हुआ है 2 मिलियन यूजर से ज्यादा का डाटा, मतलब 20 लाख लोगों से ज्यादा का पर्सनल डाटा, जो कि हो सकता है आपका नाम, आपका ईमेल, आपका जिप कोड, आपका अकाउंट नंबर। पर कंपनी यह दावा कर रही है कि भाई आपका अकाउंट का पासवर्ड, आपके भाई कोई पिन वगैरह एक्सपोज नहीं हुए हैं, और इसी वजह से इस पूरी कंपनी को शटडाउन कर दिया गया है। 20 अगस्त को ये भाई खबर हुआ था। मैं आपको न्यूज थोड़ा लेट दे रहा हूँ क्योंकि न्यूज थोड़ी लेट ही आई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो समझे, नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने कहा कि भाई फिक्स कर दिया गया है बग, ये बग यानी कि भाई कोई दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये आ रही थी कि कोई भी आप पोस्ट करो रैंडमली स्कैम हो रही थी। मार जब भाई ये कंप्लेन की गई यूजर्स के द्वारा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फेसबुक ने सैटरडे को ये अनाउंस कर दिया, मतलब यानी कि आज ये अनाउंस कर दिया कि भाई इस बग को हमने फिक्स कर दिया, अब दिक्कत की कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और भाई आपका, आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी क्या, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।